तो भाइयों प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। अभी पिछले दो तीन मैचेस हमने कवर किए, जो भी हमने प्रेडिक्शन दिए जिन प्लेयर्स के बारे में, उन प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप इंडिया वाली और जिम्बाब्वे वाली जो सीरीज थी उससे अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे, फिर आप मैच से अगर कंपेयर करोगे, तो आपको देखेगा कि जो भी प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 90-95% सही हो रहा है। जो टीम मैं बता रहा हूँ वो टीम जीत रही है। अभी कल मैंने डंबुला बोला था, डंबुला ने मैच जीता जबकि सिर्फ 163 रन बनाए थे और डिफेंड हो गया। उससे पहले MLC लीग में एक मैच था, मैंने बोला था सीटल हारेगी, सीटल ने मैच हारा था वो, और किसने जीता था मैच, क्या नाम था उस टीम का, सैन फ्रांसिस्को, तो वो जीत गई थी। तो ऐसे ताबड़तोड़ प्रेडिक्शन देके लोगों को, जो लोग मेरी वीडियो देख के खुद की फैंटेसी टीम बना रहे हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं फैंटेसी में, और जो लोग प्रोबो पर खेलने लगातार वो तो फटाफट पैसा कमा रहे हैं और विड्रॉल मार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी एकदम सेट चल रही है। तो विजन 11 और प्रोबो दोनों प्लेटफॉर्म पर हमारी जनता ने धूम मचा रखा है। हाँ, मेरा जो फैंटेसी का जो भी वक्त है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मैं एक या दो रिस्क लेता हूँ हर मैच में, मगर मेरे जो रिस्क हैं वो उल्टा ही जा रहे हैं अभी। तो मैं फैंटेसी में इसीलिए इसी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत एकदम कम कर रहा हूँ, ना के बराबर कर रहा हूँ। जब पैसा आ रहा है एक तरीके एक तरफ से आ रहा है तो आने दो, और जब वक्त सही चलेगा, अभी तो मतलब जैसे कि मेरा बजट 5-10 लाख रुपए का एक मैच का होता था, तो अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं 2-3 मैच लगातार जीत जाऊँगा और ऊपर वाला मुझे इशारा दे देगा कि भाई अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तब मैं मोटी इन्वेस्टमेंट करके ताबड़तोड़ पैसा छाप लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो रोज़ हम वीडियो बना रहे हैं किसी न किसी मैच की, इंपॉर्टेंट मैच की, जिसका हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। वैसे आज मेरा इरादा था कि मैं वुमेन्स वाले मैच की भी वीडियो बनाऊं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वुमेन का जो मैच है, बट वो फिर मैं नहीं बना रहा क्योंकि लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में भरोसा नहीं कर सकते, जीत ही नहीं पा रही, सारे मैचेस हारती चली आ रही हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो, सभी हार रही हैं वो। तो खैर, बाकी हाँ, तो फिलहाल हम बात करते हैं आज जो मैच होने वाला है मेजर लीग क्रिकेट का, जो कि होगा सीटल ओकास और लॉस एंजल्स के बीच में, लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स। तो इन दो टीम्स के बीच मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 15 MLC का। बात करेंगे इस वीडियो में इस मैच का, पूरा आपको ज्ञान देंगे फैंटेसी का, क्या मेरे प्रेडिक्शंस हैं, कि मैं आपको टिप्स दूंगा किसको कब अपनी टीम में रखना है, कब ड्रॉप करना है। तो प्लेइंग 11 बताते टाइम ही पूरा मैं ज्ञान दे दूंगा। बट अगर आपको फिर भी अगर आपको मेरी टीम देखनी हो, या अगर टॉस के बाद मेरे प्रेडिक्शंस का अगर आपको वेट हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई भी नया प्लेयर खेलता है, टॉस के बाद कुछ प्रेडिक्शन में चेंज आता है, बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है, वो देख के कोई प्रेडिक्शन में चेंज होता है, कोई भी अगर अपडेट होता है टॉस के बाद, एक बार टेलीग्राम चैनल मेरा चेक जरूर कर लेना। अगर कोई नया प्रेडिक्शन हुआ, नई अगर टिप कोई मुझे आपको देनी हुई, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करो। 17 लाख लोग जुड़े, आप भी आके जुड़ जाओ, ब्लू टिक लगा, वेरीफाइड चैनल है, ठीक है। बाकी विजन 11 पर ही खेलना फैंटेसी, क्योंकि आपका पैसा बच जाएगा, आपका लॉस में जितने लोग हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स दे के और लॉस में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप विजन 11 पर खेलो, वहाँ पर ना आपको GST देना, ना ही आपको आपका TDS कटने वाला है। आपका GST विजन 11 कंपनी खुद दे रही है, जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे आपका पूरा पैसा आपके वॉलेट में आएगा, और जब आप जीतोगे विड्रॉल करोगे तो 30% आपका TDS नहीं कटेगा, जो भी आपका TDS का अमाउंट होता है वो आपको वापस मिल जाएगा आपके वॉलेट में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और फ़ायदा उठाना, और सबसे कम एंट्री भी, सबसे कम कमीशन भी विजन 11 पर ही है, तो फैंटेसी यहीं पर खेलने में फ़ायदा है, बाकी आपकी मर्जी। खैर, मेरा रेफर कोड अनुराग जरूर यूज़ करना विजन 11 पे, ताकि आपको 100 रुपये का रियल कैश मिले साइनअप करने पे, और लिंक डाउनलोड करने का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। खैर, बात करें अगर हम टीम न्यूज़ किस मैच की, तो दोनों टीमें हार के आ रही हैं, ठीक है। लॉस एंजल्स जो है 3 मैच लगातार हार के आ रही है, आई थिंक सीटल और कास दो या तीन वो भी दो मैच में श्योर होगी, 2 मैच लगातार हार के आ रही है, तो दोनों टीमें हार के आ रही हैं, तो कोई ना कोई चेंजेस आप उनकी टीम में एक आधे चेंजेस उम्मीद कर सकते हो कि हों। फॉर एग्जांपल सीटल और कास की टीम में 6th बॉलिंग ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या पता वो 6th बॉलिंग ऑप्शन लाएँ, किसी और को अपनी टीम में लाएँ, तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। बाकी लॉस एंजल्स की टीम काफ़ी बैलेंस्ड है, मेरे ख्याल से उनको कोई चेंज नहीं करना चाहिए। एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं, ठीक है, और प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि अब मैं टिप्स और प्रेडिक्शन सब अलग नहीं करता, मैं इसी में बात कर लेता हूँ सभी प्लेयर्स के बारे में। तो रयान रिकल्टन और शेहान जयसूर्या दोनों ओपन करेंगे सीटल ओकास के लिए। 3 पे आएंगे क्विंटन डिकॉक, 4 पे अरॉन जोन्स हैं, 5 पे हेनरी क्लासन हैं, 6 पे हमाद आजम, उसके बाद हरमीत सिंह, इमाद वासिम है, कैमरन गैनन, नांद्रे बर्गर, जमान खान। अब देखो, रयान रिकल्टन, शेहान जयसूर्या और क्विंटन डिकॉक तीनों के तीनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, ठीक है, हालांकि विकेट कीपिंग क्विंटन डिकॉक करेगा, और तीनों ही हिट एंड मिस टाइप कैटेगरी वाले प्लेयर हैं। शेहान जयसूर्या भी हिट एंड मिस वाला है,
ये कंसिस्टेंट नहीं रहता, एक मैच चल गया चार मैच फ्लॉप होने ही होना है, तो इसका तो आग बंद करके ड्रॉप करना। रियान रिकल्टन ये भी हिट एंड मिस टाइप वाला प्लेयर है, मगर मेरे लिए बहुत मनहूस है। ऐसे T20 वाले लीग से जब भी मैं इसको लेता हूँ ये बंदा परफॉर्म नहीं करता, जब मैं नहीं लेता हूँ ये बंदा परफॉर्म करता है। हालांकि एमएलसी में मैंने एक मैच इसको ड्रॉप किया था तो जल्दी आउट हो गया था, तो यहाँ पर अलग सीन है। बाकी क्विंटन डिकॉक आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देगा। उसके बाद बात करें एरॉन जोन्स की, तो एरॉन जोन्स, हेनरी क्लासन और हम्माद आजम, ये जो तीन प्लेयर हैं ये तीनों राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं। अब एरॉन जोन्स वही है यूएसए का प्लेयर जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी अच्छी बैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान के सामने अच्छी बैटिंग किया था और एक मैच आई थिंक कनाडा के सामने था बहुत तगड़ा मतलब मैच हुआ था, आई थिंक 200 के आसपास का टारगेट था, चेस हो गया था। तो ये वही प्लेयर है, टेम्बा बोमा का छोटा भाई, हाँ वही है। तो अच्छा प्लेयर है और यूएसए में तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, तो इसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो अगर आपको जमे। बाकी हेनरी क्लासन इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे पहले बैटिंग करें इनकी टीम चाहे सेकेंड इनिंग में, क्योंकि ये बड़े प्लेयर है और बड़े प्लेयर कभी भी ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं। पिछले मैच में अपनी परफॉर्मेंस से नाखुश होंगे, बहुत ही अच्छा सेट मैच था और जब ये आए ये टीम को जिता नहीं पाए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे हेनरी क्लासन दोनों इनिंग में। हम्माद आजम को आप हटाओ, कोई मतलब नहीं है स्मॉलिंग लेने का। हरमीत सिंह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विद द बैट भी आपको पॉइंट दे रहे हैं, विद द बॉल भी विकेट लेके दे रहे हैं। इमाद वासिम बॉलिंग से तो अच्छा कर रहे हैं, बट लास्ट मैच में ये बैटिंग करने नहीं आए थे, पता नहीं क्या दिक्कत थी, बैटिंग करने नहीं आए थे। तो जो भी कोई अगर कोई अपडेट होती है कि अगर फिटनेस को लेकर, तो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। और वरना आपके लिए प्लेयर तो इंपॉर्टेंट हैं, मतलब बड़े प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के और पूरे वर्ल्ड में खेलते हैं T20 लीग्स, बट प्रॉब्लम एक है। क्या प्रॉब्लम है आपको आगे बताता हूँ। तो इनको लेके उतना कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी कैमरन ग्रैंट अच्छा बॉलर है, अभी दो एक मैच पहले मैंने इसको ट्राई किया था तब इसने कुछ नहीं किया, पिछले मैच में इसको मैंने ट्राई नहीं किया तो बंदा तीन विकेट लेके चला गया। नांद्रे बर्गर लेफ्ट आर्म पेसर, ये भी अच्छा बॉलर है और विकेट टेकर है, तो इसको मैंने पिछले मैच में ट्राई किया तब इसने कुछ नहीं किया, उससे पहले वाले मैच में मैंने इसको ट्राई नहीं किया था तब इसने दो विकेट ले लिए थे। जमान खान को मैंने दो मैचेस से लगातार मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये बंदा विकेट नहीं निकाल पा रहा, और जिस मैच में मैं इसको ट्राई नहीं करूँगा पक्का तीन चार विकेट लेके जाएगा, क्योंकि ये बॉलर ऐसा है जो यॉर्कर्स अच्छी डालता है, स्लिंगिंग एक्शन ऐसे वाला मलिंगा वाला अच्छा बॉलर है और विकेट में बॉलिंग करता है, तो किसी भी मैच में तीन चार विकेट लेके आपको दे सकता है। स्मॉल लीग में मस्ट पिक रहेगा दोनों इनिंग में। और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं, बड़े कॉन्टेस्ट खेलते हैं, जमान खान को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बॉलर कभी भी तीन चार विकेट निकाल सकता है, ठीक है। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो सुनील नारायण, जेसन रॉय, उन्मुख चंद, शाकिब अल हसन, साहेब बहादुर, नीतीश, उसके बाद डेविड मिलर हैं, एंड्रे रसल है, वैन शार्कविक है, स्पेंसर जॉनसन और अली खान, ये होगी प्लेइंग 11 इनकी। अब नाइट राइडर्स में देखो, सुनील नारायण आपको विद द बॉल विद द बैट आपको अच्छी वैल्यू देंगे, ऑफ स्पिनर है और अच्छी बैटिंग करते हैं, ओपनर है, ठीक है। अब देखो ऑफ स्पिनर का काम जो रोल है बहुत बड़ा है इस मैच में, सुनील नारायण का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि पांच लेफ्टी बल्लेबाज हैं उनकी टीम में, किसकी टीम में, सीटल की टीम में, क्विंटन डिकॉक, रियान रिकल्टन, सिहान जयसूर्या, हरमीत सिंह, इमाद वासिम, पांच लेफ्टी प्लेयर हैं सामने वाली टीम में। तो ऑफ ब्रेक बॉलर सुनील नारायण आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन होंगे, कैप्टन करना ही करना आग बंद करके, ठीक है। और उनकी जो पावर प्ले में जो बॉलिंग है वो भी उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो शायद नारायण इस मैच में आपको बैटिंग से अच्छे खासे पॉइंट दें। आप अगर 20 टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग में, 20 की 20 टीम में नारायण को कैप्टन करना। और एक और चीज़ बताता हूँ, एक और देखोगे शाकिब अल हसन भी हैं, तो वो भी एक लेफ्टी बैटिंग करते हैं, ठीक है। हालांकि वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, तो वो विद द बॉल आपको शायद उतनी वैल्यू शाकिब अल हसन ना दे पाएँ, बट विद द बैट आपको अच्छी वैल्यू देंगे, तो शाकिब अल हसन आपके लिए बड़ी ऑप्शन है, ठीक है। और अगर पिट जाते हैं पहला ओवर दूसरा ओवर अगर पिट जाते हैं तो शाकिब अल हसन के ओवर कट सकते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन ना करना, एज अ बैटर अपनी टीम में पिक करना, ज़्यादा उम्मीद मत रखना बॉलिंग से, ठीक है। मगर प्रॉब्लम, हाँ मैं कहना क्या चाहता था कि डेविड मिलर, शाकिब अल हसन और सुनील नारायण, तीनों लेफ्टी बल्लेबाज अच्छे प्लेयर हैं T20 फॉर्मेट के, और सामने वाली टीम में सीटल की टीम में कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है, हालांकि शिहान जयसूर्या है बट वो पार्ट टाइमर है, तो कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है, तो ये तीनों बल्लेबाजों से आप उम्मीद कर सकते हो कि इस मैच में अच्छा परफॉर्म करें। और दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, कौन, हरमीत सिंह और इमाद वासिम, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लेफ्टी बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं, तो एडवांटेज है इन तीनों के पास। बात करें जेसन रॉय की, जो जेसन रॉय के सामने दिक्कत जो दे सकते हैं वो उनको नांद्रे बर्गर दे सकते हैं शुरुआत के दो ओवर में, और अगर उनको संभाल कर खेल गए तो बढ़िया बैटिंग करेंगे। बाकी उन्मुख चंद उतने कंसिस्टेंट रहे नहीं, हालांकि टूर्नामेंट के आई थिंक पहले मैच में, जब ये पहला मैच खेले इस साल, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद अच्छे उसमें लगे नहीं,
बट ग्रैंड लीग वगैरह में आपको आपको ट्राई करना है कर लेना, स्मॉल लीग में उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ बट ये भी अगर मान लो सीटल की टीम अगर चेस कर रही है, अगर लॉस एंजल्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो आप चाहो तो क्लासिन की जगह पर भी ग्रैंड लीग वगैरह में रिस्क ले सकते हो, उन्मुख चंद को ट्राई कर सकते हो। बाकी शाकिब की बात कर ही लिए, साहेब बाजार आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नीतीश स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ डेविड मिलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये साहेब बाजार से भी ऊपर आ जाएंगे डेविड मिलर बैटिंग करने, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो कैमियो खेलने के लिए ऊपर इनको प्रमोट किया जा सकता है। तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप डेविड मिलर को ट्राई कर सकते हो। एंड्रयू रसेल ये अच्छे टच में नो डाउट, विद द बॉल भी अच्छा कर रहा है, विद द बैट भी अच्छा कर रहा है, मस्ट पिक आपके लिए। वैन शार्कविक इनको आप बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हो, बट वैन शार्कविक के ओवर पूरे तभी होंगे जब शाकिब के ओवर कटेंगे, इस चीज़ का याद रखना। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन ये पूरे ओवर डालेगा, और ये फर्स्ट इनिंग में भी विकेट निकालता है, सेकेंड इनिंग में भी निकालता है, तो ये आपके लिए दोनों इनिंग में अच्छा ऑप्शन है। अली खान आपके लिए इंपॉर्टेंट विकेट रहेगा बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि ये डेथ ओवर्स में विकेट निकाल सकता है, दो ओवर ये डेथ में डालेगा तो डेथ में इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। टूर्नामेंट का पहला मैच था, अली खान ने 4 विकेट लिए थे, उसके बाद अली खान की वो परफॉर्मेंस नहीं आई है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई बात भाई दोनों टीम्स के प्लेयर्स की, उसकी सबकी बात करो। अगर मैं प्रिडिक्शन की, भाई मेरा पहला जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि इस मैच में ये आपका क्विंटन डिकॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ सुनील नारायण अच्छा परफॉर्म करेगा, और मिलर शाकिब में से कोई एक प्लेयर 50 के आसपास रन पक्का बनाएगा अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है। तो ये मेरे 3 हो गए प्रिडिक्शन। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अली खान 2 विकेट कम से कम लेगा, और जमान खान कम से कम 3 विकेट लेगा बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सीटल की तरफ से, और इमाद वासिम और हरमीत सिंह ये दोनों गेंदबाज मिल के भी 2 से ज़्यादा विकेट नहीं ले पाएंगे। ये मेरा 5वां हो गया प्रिडिक्शन। और नांद्रे बर्गर चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में बॉलिंग करे, 2 विकेट तो निकाल ही देगा। तो मेरे 6 के 6 प्रिडिक्शन हो गए, बाकी कुछ और उतना खास है नहीं। रॉय को लेके, उन्मुख चंद को लेके कोई प्रिडिक्शन आ नहीं रहा माइंड में, कुछ आएगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा टॉस के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं पिच के बारे में, बट उससे पहले ये बता दूं, ये जो मैंने आपको प्रिडिक्शंस बताए हैं, इन प्रिडिक्शंस का आप अगर सही में फ़ायदा उठाना चाहते हो तो फैंटेसी क्रिकेट से ज़्यादा फ़ायदा आप प्रोमो पर उठा सकते हो, क्योंकि फैंटेसी में आप 11 प्लेयर्स की टीम बनाओगे, कैप्टन वाइस कैप्टन चुनोगे, आप एक प्लेयर से हार जाओगे, आप कैप्टन से हार जाओगे, वाइस कैप्टन से हार जाओगे, लास्ट ओवर में एक प्लेयर कैच पकड़ लेगा उसके पॉइंट आपको हरा देंगे, ये बहुत चलता है। तो फैंटेसी इसीलिए मुश्किल है, और फैंटेसी में मेरा जो वक्त बुरा चल रहा है उसका कारण ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट प्रोबो जो है वो बहुत सिंपल है, प्रोबो में आपको बस प्रिडिक्शन करने हैं, हाँ या ना में जवाब देना है कि हाँ ये चीज़ मैच में होगी या नहीं होगी। अगर आपका जवाब सही होता है तो आप जीत जाएंगे। जैसे आज के मैच में कुछ सवाल चल रहे हैं कि जैसे आज एक सवाल है कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा चौके मारेगी इस मैच में, सीटल और काज मारेगी या लॉस एंजल्स। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो चौके हैं वो मारेगी लॉस एंजल्स की टीम, तो मैं इसमें लॉस एंजल्स पर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा। एक और सवाल है कि सीटल आज का मैच जीतेगी लॉस एंजल्स के सामने, तो मेरे हिसाब से सीटल को ये मैच, मतलब मेरे हिसाब से कमज़ोर है सीटल, तो मैं इसमें नो करूँगा, ठीक है। हालांकि अभी आप देखोगे तो सीटल की जीत पे 1400 रुपये के 10000 रुपये मिल रहे हैं प्रोबो पे, ये क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ 7 लोगों ने ट्रेड किया है, तो वो जो रेट है वैसा मतलब डिसाइडेड है, बट जब अभी ज़्यादा लोग करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा, तो आपको अच्छे खासे रेट में मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो लॉस एंजल्स पर। मैं तो लॉस एंजल्स के साथ हूँ, अगर आपका दिल कर रहा है सीटल के साथ जाने का तो आप सीटल के साथ जा सकते हो। एक और सवाल है, सबसे ज़्यादा छक्के कौन मारेगा इस मैच में, सीटल की टीम या लॉस एंजल्स। छक्के भी मेरे ख्याल से लॉस एंजल्स ही ज़्यादा मारेगी, तो मैं लॉस एंजल्स के साथ हूँ, ठीक है। तो ऐसे सवालों के आपको जवाब देने हैं, और जवाब अगर आपके सही आते हैं आप ऐसे जीत सकते हो। वुमेन के मैच में भी सवाल है कि आज 5वां T20 मैच न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, क्योंकि 4 तो हार चुकी है, बट आप सोचोगे 1900 रुपये के 10000 रुपये मिल रहे हैं अगर आप न्यूजीलैंड वुमेन के साथ जाते हो, तो एक बार रिस्क ले लो। 1905 गुना पैसा मिल रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो। क्या न्यूजीलैंड की टीम 3 ओवर में 1 विकेट निकाल लेगी इंग्लैंड का? निकाल भी सकती है भाई, निकाल सकती है नो डाउट, तो इसमें भी आप यस कर सकते हो। तो ऐसे सवालों के आपको हाँ या ना में जवाब देने, अगर आपके जवाब सही होते हैं आप प्रोबो पर माल छापते हो, ठीक है। कल मैंने रात में 19 लाख रुपये विन किए, जो MLC का मैच था 19 लाख रुपये की मेरी विनिंग आई। डम्बुला और कोलंबो का मैच था, वहाँ पर मैंने 8-8.5 लाख रुपये विन किए, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा भी बन रहा है प्रोबो पे। प्रोबो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके प्रोबो का ऐप डाउनलोड करो, प्रोबो का लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। मेरा कूपन कोड अनुराग यूज़ करना ताकि आपको 25 रुपये का रियल कैश मिले और पहले दिन आप फ्री में खेल सकें, ठीक है। चलिए अब बात करते पिच के बारे में। भाई ये मैच जो होने वाला है MLC का, ये मैच होने वाला है चर्च स्ट्रीट पार्क मॉरिसविले में। मॉरिसविले की पिच जो है बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है, नो डाउट 155 का एवरेज स्कोर रहता है, न्यूट्रल विकेट है, ठीक है। और वही यहाँ की जो जितने भी ग्राउंड हैं USA में सभी न्यूट्रल ही हैं,
ठीक है, एक वही है ननसाओ काउंटी जो एकदम लो स्कोरिंग ग्राउंड है, बाकी सारे ग्राउंड जो है न्यूट्रल ही है। जो बैट्समैन सेट हो गया वो सामने शॉट खेल लेता है वो अच्छी बैटिंग कर लेगा, स्क्वायर जो खेलते हैं वो थोड़ा कम अच्छा खेल पाते हैं, कम लंबी पारी नहीं खेल पाते, और टर्न मिलता है जब बॉल पुरानी होती है तो स्पिनर्स गेम में आते हैं, नई बॉल से फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, तो ओवरऑल न्यूट्रल विकेट है आप। हाँ, और एक और चीज़, चेजिंग बायस है यहाँ पर, पिछले 10 में से 8 मैच चेज हुए हैं, तो ये चीज़ याद रखना। सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करे आपके लिए वो बहुत मतलब उनके बल्लेबाजों पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करे उनके गेंदबाजों पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, खास करके फास्ट बॉलर, क्योंकि वो आपको स्टार्ट में और डेथ में दोनों में आपको विकेट लेके देंगे। ये मैच इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही परफेक्ट मैच है। तुम्हारा भाई कम से कम, मतलब भले ही मेरा कितना बुरा समय चल रहा हूँ, मगर इस मैच में मैं बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, ताबड़तोड़ इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा इस मैच में, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, बात कर लेते हैं अपनी जरा हम फैंटेसी टीम की, कि मैंने अभी क्या टीम बनाई है। या तो मेरी टीम में ना ऑलमोस्ट, ये जो मैंने आपको टीम दी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, बस यही है कि कुछ प्लेयर हैं जिनको मैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ही ट्राई करूँगा। ठीक है, जमान खान को तो मुझे लेना ही लेना है, उसको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। नांद्रे बर्गर को मैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए लूँगा, गैनन को मैं लूँगा नहीं, ठीक है। और ये आपके अली खान बॉलिंग फर्स्ट करते हुए मेरी टीम में होंगे, बॉलिंग सेकंड करते हुए ड्रॉप करूँगा। स्पेंसर जॉनसन दोनों रेडिंग मेरी टीम में रहने वाले हैं। वैन शार्कविक को मैं ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि उनके ओवर अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि देखो बहुत ऑप्शन उनके पास बॉलिंग के, भाई नारायण है, शाकिब है, रसेल है, शार्कविक है, स्पेंसर जॉनसन है, अली खान है, अच्छे अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है, तो पूरे 4 ओवर उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ शार्कविक से। हाँ, अगर शाकिब पिट जाते हैं तो शाकिब के पिटने की वजह से 2 ओवर उनके कट के इनको मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है, और शाकिब के पिटने के भी चांस है, हो सकता है शाकिब पिटी जाए, तो वो चीज़ है। तो अभी के लिए यही टीम है, कैप्टन हमारे सुनील नारायण ही रहेंगे, और वाइस कैप्टन जो है फिलहाल तो मैंने क्विंटन डिकॉक को किया हुआ है, तो या तो मैं क्विंटन डिकॉक को करूँगा या फिर मैं एंड्रयू रसेल करूँगा, अगर पहले बॉलिंग करेगी लॉस एंजलिस की टीम तो, अगर पहले बैटिंग करेगी इनकी टीम तो मेरा वाइस कैप्टन होगा क्लासन, अगर सीटल पहले बैटिंग करती है, अगर बाद में अगर बैटिंग करती है सीटल और पहले बॉलिंग करती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ क्या, और अगर पहले बैटिंग करती है सीटल तो वाइस कैप्टन मेरा हेंड्रिक क्लासन होगा, अगर पहले बैटिंग करती है लॉस एंजलिस तो वाइस कैप्टन मेरा एंड्रयू रसेल होगा। मैं शाकिब को बस टीम में रखूँगा, कुछ भी ट्राई नहीं करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन। तो अरे एक बार आप फाइनल टीम देख लें, टॉस के बाद मैं आपको अपनी फाइनल टीम दिखा दूँगा टेलीग्राम पर, और हाँ भले ही कितना भी खराब वो वक्त जा रहा हूँ मेरा फैंटेसी में, बट इस मैच में हाई इन्वेस्टमेंट मेरी पक्की है, आप बिलीव नहीं करोगे, बट मैंने ऑलरेडी 49 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट कर दी है। 3-4 प्लेटफॉर्म में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, किसी में 10 लाख, किसी में 15 लाख, किसी में 12 लाख, मगर मैंने 49 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, और से बता रहा हूँ, गुस्से में हूँ ना, क्योंकि गुस्सा है बहुत तगड़ा, एक ही बार में पूरा लॉस कवर करना है। हालांकि ये सब हरकतें करनी नहीं चाहिए, मगर गुस्से में इंसान कुछ भी करता है, मैंने भी ये गलती करी बहुत बार, एक बार फिर से कर रहा हूँ, मज़ा आता है ऐसी गलतियाँ करने में, तो दबा के इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अभी मैच जब होगा, टॉस होगा, तो और कॉन्टेस्ट फटाफट फिल होंगे, तो और इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो 1.5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, जो होगा देखा जाएगा सारा। ये मैच बहुत तगड़ा लग रहा है तुम्हारे भाई को। खैर चलो, फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल देख लें, टेलीग्राम पर मैं आपको टीम दे दूँगा, जिस टीम से मैं खेलूँगा वो टीम मैं आपको खुद दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को पर एक कॉमेंट करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज़ रोज़ वीडियो देखा करो। मैं रोज़ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके मन में ज्ञान की बातें, बढ़िया टिप्स, बढ़िया प्रेडिक्शंस में डालता रहूँ। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो प्लीज़ मतलब करना, मतलब लाइक कमेंट करो, प्यार दो छोटे भाई को, वीडियो को शेयर करो यार दोस्तों के साथ। विजन 11 और प्रोबो दोनों के प्लेटफॉर्म के लिंक भी मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, दोनों प्लेटफॉर्म डाउनलोड करो, रेफर कोड दोनों जगह पर अनुराग है, फ्री रियल कैश मिलेगा, जिसको आप पूरा यूज़ कर सकते हो दोनों प्लेटफॉर्म पर। आसानी से जीतना है, प्रो खेलो, फैंटेसी में अगर आपको पैसा बचाना है, TDS आपको बचाना है, GST बचाना है, तो विजन 11 खेलो। ठीक है, सबसे कम एंट्री फी, सबसे कम कमीशन विजन 11 पर ही है। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में, शाम को मिलते हैं। ये मैच 12:30 बजे टॉस होगा, आई थिंक 1 बजे मैच चालू होगा, 12 बजे एक्टिव तक जगते रहना रात में, ठीक है, क्योंकि मैच रात में, तो जैकपॉट मैच है, खेलेंगे इसमें। ठीक है, चलो, बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।